23 तारीख से हम खत लिख रहे थे चुनाव आयोग को, 23 तारीख से 27 को चुनाव आयोग का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि हम तहकीकात करेंगे, लेकिन उसी तारीख में उन्हें 25 बूथ का इंचार्ज बना दिया गया। मुझे बेहद खुशी है चुनाव आयोग का, इनकी प्रक्रियाओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने फौरी तौर पर निर्णय लेते हुए उन्हें उन 25 बूथ के चार्ज से मुक्त कर दिया है। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर है, जिस अधिकारी पर, जिस DSP पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में चुनाव को प्रभावित करने का शक जाहिर किया था, उस अधिकारी को चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद जो है हटा दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सुबह, और उसके बाद से ही लगातार जो है माहौल बना हुआ है। बता दें कि बिहार के कुशेश्वर स्थान के दिलीप कुमार झा जो कि SDPO हैं, उनके बारे में ये आरोप था कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिना किसी नोटिफिकेशन के फिर से उसी ज़िले में बुलवाए गए हैं जहां पर वो आज से करीब एक महीने पहले तक थे। बड़ी बात ये थी कि उनके ऊपर इस बात का आरोप था कि वो करीब करीब 4 साल तक उस ज़िले में रहे, जबकि नियम के मुताबिक कोई नहीं रह सकता है। लेकिन उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने इस मामले को विधानसभा में उठाया तो उनका ट्रांसफ़र किया गया दूसरे ज़िले में, लेकिन चुनाव से के तारीखों के ऐलान के बाद उनको फिर से वहां पे बुलाया गया, और इसी को लेकर के आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने जो है इस पूरे मामले पर सरकार से कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अब एक्शन ये हुआ है कि उस अधिकारी को हटा दिया गया है। क्या कुछ मनोज झा ने कहा जब वो दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करके निकले, सुनवाते हैं। भाई साथियों, आप सभी का एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए शुक्रिया। माननीय चुनाव आयोग से हमने आज सुबह समय मांगा था, दिल्ली में हम लोग मिले, पटना में साथी मिले, और नेता प्रतिपक्ष ने तमाम दस्तावेज के साथ एक अधिकारी विशेष श्री दिलीप झा, जो बिरौल में सिर्फ चुनाव के दौरान बुलाए गए थे, 23 तारीख से हम खत लिख रहे थे चुनाव आयोग को, 23 तारीख से 27 को चुनाव आयोग का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि हम तहकीकात करेंगे, लेकिन उसी तारीख में उन्हें 25 बूथ का इंचार्ज बना दिया गया। मुझे बेहद खुशी है चुनाव आयोग का, इनकी प्रक्रियाओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने फौरी तौर पर निर्णय लेते हुए उन्हें उन 25 बूथ के चार्ज से मुक्त कर दिया है, उनके बदले किसी नए व्यक्ति की। ये समझ लीजिए कि ये एक संदेश जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बिंदु पर कहा था कि किस प्रकार लोग उनके रहते हुए स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार पुनः चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फौरी तौर पर संज्ञान में लेते हुए उन्होंने हमारे कंप्लेन के आधार पर एक्शन लिया है और उस अधिकारी विशेष को वहाँ से मुक्त कर दिया है। थैंक यू। वो लगातार वो हमें श्योर भी किया गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होगी, उस गिनती के पश्चात ही अगली गिनती में जाएंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट में पिछली बार काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ था, हम इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहते। इसलिए हमने लगातार माननीय चुनाव आयोग को कहा है, माननीय चुनाव आयोग को हमने ये भी कहा है कि हर राउंड के बाद एक सर्टिफाइड कॉपी सबको दी जाए, उसके बाद अगले राउंड में प्रवेश किया जाए गिनती के लिए। सर, मुख्य मांग क्या थी, एक बार फिर से दोहरा दें? नहीं, मांग पर विचार हो गया, हमने कहा था, आज नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिंदुवार तरीके से एक अधिकारी हैं दिलीप झा, जो खास तौर पर चुनाव के लिए वहां लाए गए थे SDPO बिरौल कुशेश्वर स्थान में। हमने 23 तारीख से खत लिखना शुरू किया था इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज के साथ। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज ही हमें सूचना मिली चुनाव आयोग ने उस अधिकारी विशेष को उस कार्य से हटा दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। ठीक है, बस यही। तो सुना आपने किस तरीके से मनोज झा अपनी बात रख रहे थे। आपको बता दें कि एक अधिकारी को लेकर के चुनाव प्रभावित करने का आरोप जो है तेजस्वी यादव ने लगाया, ये आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बहुत जो है तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, और ये तक कहा कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में जो है 2 सीटों पर, जो क्योंकि कुछ घंटे बचे हुए हैं, जब 2 सीटों पर वोटिंग होनी है, ऐसे में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंदर में ये आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों का इस्तेमाल करके सरकार यहाँ की सीटों को जितना चाहती है, और तेजस्वी यादव ने सबूत के साथ इसी मामले पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद पटना और दिल्ली में चुनाव आयोग से जो है अधिकारियों ने मुलाकात की, और इसी मुलाकात के बाद इस अधिकारी पर कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।